स्टूडेंट सोचते हैं सर अब बहुत पढ़ना होता है, ये बताओ आईआईटी या नीट को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है? यस, जल्दी से बताइए। तो देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ आवर्स जो है वो मैटर नहीं करता है उतना, हाँ 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी भी अच्छी रहती है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप उन आवर्स में कितना काम करते हो। कोचिंग में जो क्लासेस हुई उस क्लासेस के बाद आप होमवर्क कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, रिविजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सो व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू गेट डन इन दोज आवर्स, वो मैटर करता है यार, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जब जेई या नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसे ऊपर जाके एकदम से टाइट फेस हो जाती है, यानी कुछ टाइम में मोरल डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है बता सकते हो? इतनी अच्छी शुरुआत के बाद एकदम से ऐसे करने के बाद फिर डाउन क्यों जाते हैं यार? यस, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखते। इसीलिए आप सभी को बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे स्टार्ट करो, आराम आराम से जितना करवाया जाए उतना ही करो, और शुरू में एनर्जी को कंजर्व करो, वेस्ट मत करो, नहीं तो शुरू में ज्यादा एनर्जी होगी तो बाद में वो एनर्जी डाउन हो जाएगी, अपने को लगेगा यार बर्नआउट हो जाएगा, 7 दिन 10 दिन मेहनत करने के बाद हमें लगेगा यार बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत कैसे करूंगा मैं। तो इसलिए डेवलप योर इंटरेस्ट स्लोली, ये बताइए ये एक जर्नी है, तो उसमें आपको अगर अपना मोटिवेशन मेंटेन रखना है, इफ यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, अगर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो आप सभी को इस जर्नी को एंजॉय करना होगा यार। आप सभी को ये जो पढ़ाई का समय है इस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। अच्छा, आप में से कौन कौन स्टूडेंट जिनका सही में जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरेस्ट है? क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है ना ये ऐसी क्रैक नहीं होंगे, आप सभी को पता है नीट में हमें 600 प्लस जो है वो स्कोर करना पड़ता है, और टॉप कॉलेज के लिए 650 प्लस, और जेई एडवांस्ड में इतने अच्छे सवाल आते हैं आपको अच्छी रैंक के लिए 40-50% मार्क्स लाने पड़ते हैं यार। अभी बताओ अगर 40-50% मार्क्स लेके आने जेई एडवांस में और नीट में 650 प्लस, क्या वो ऐसे आ जाएंगे? नहीं ना, इसके लिए 2 साल के कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी होते हैं।